हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सिटी डेट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, आपके दुश्मन अभी क्या सोच रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता उसको पूरी तरीके से जाने देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स बताइए, उनके दुश्मन अभी क्या सोच रहे हैं? एनिमल गार्डियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, सेज बी डिवोटेड एंड कमिटेड, स्पिरिट फॉग, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम। फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशन, मून टेक नोट ऑफ इंटिट्यू मैसेज, एयर गार्डियन शिफ्ट योर परसेप्शन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। यहां से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन बताइए, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वैंड्स, द मून, तो मून की एनर्जी दो बार आई है, द मैजिशियन, एस ऑफ कप एंड लास्ट है थ्री ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फाइव ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ सोच बदलती रहती है, बार बार अप एंड डाउन्स की एनर्जी है, और ये जो विचार बदल रहे हैं वो इमोशनल वाइज काफ़ी ज़्यादा बदल रहे हैं, वो भी है। यहाँ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी 100% है, एरिस लियो सजिटेरियस भी 100% है, कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी 80% है, एंड लास्ट एनर्जी है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की, वो नॉर्मली 50% ही है। तो इस वजह से ही शायद पेज की एनर्जी है पेंटिकल्स में, तो इसका मतलब भी यही होता है कि आप कहीं ना कहीं अपने पैसों को लेकर ज़्यादा सोच रहे हो, और आपके दुश्मन भी पैसों को लेकर ही सोच रहे हैं। पैसों से ही जीवन चलता है, ये बहुत ही रियलिटी है, हकीकत है, वो लोग वो सब भी जानते हैं। इसके चलते ही कहीं ना कहीं आप उसको लेकर परेशान हो, और आपके दुश्मन भी कहीं ना कहीं उसको लेकर ही परेशान है। उनको लग रहा है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा है, इस तरीके से वो मान रहे हैं। तभी तो आपके जीवन में इतनी अभी भी पेशेंस और शांति बनी हुई है, वो कैसे हो सकता है? हम आपके जीवन में बहुत कुछ उड़ल रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि आप अपने जीवन में काफ़ी पूरी तरीके से स्वस्थ हो, या बहुत अच्छे तरीके से आपकी लाइफ चल रही है, आपकी परिस्थितियाँ अच्छी नज़र आ रही है, ऐसा लोग ऐसा यहाँ आपके दुश्मन सोच रहे हैं। तो है यहाँ फर्स्ट कार्ड ही एनिमल गार्डियन है, इसका मतलब भी यहाँ कहीं ना कहीं है कि आपकी इंट्यूशन पावर भी आपको जवाब देती है, और उनकी इंट्यूशन पावर भी जवाब देती है। यहाँ आपकी इंट्यूशन पावर आपको कह रही है कि विश्वास भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा, गॉड है मेरे साथ, वो कुछ नहीं होने देंगे,
इस तरीके की सोच आपकी बनी हुई है और वो सच में काम भी कर रही है। जब हम अपने आप के साथ विश्वास में होते हैं तो फिर सब कुछ बहुत बढ़िया नज़र आता है और बहुत पॉजिटिव भी रियलिटी में परिस्थिति में होता है। तो वो सब कुछ है आपके साथ और बन रहा है, वो यहाँ नज़र आता है। और कहीं ना कहीं उनकी इंट्यूशन बार बार उनको बोल रही है कि इसके जीवन में हमने बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत ही हमने किया है, बहुत कुछ कर रहे हैं, फिर भी वो इतना ज़्यादा असर होता हुआ यहाँ नज़र नहीं आता है, इस तरीके से वो मान रहे हैं। तो वो आपकी लाइफ को देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस वजह से ही सोच रहे हैं। तो यहाँ आपके दुश्मनों की जो अभी सोच हो रही है वो ये फर्स्ट है कि पैसों को लेकर वो आपके जीवन में कहीं ना कहीं दखलंदाजी कर रहे हैं। फिर भी आपके जीवन में पूरी तरीके से कोई प्रॉब्लम हमने हमें नहीं दिख रही है। आपके जीवन में तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, वो कैसे हो सकता है, इस तरीके से वो सोच रहे हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि इसके जीवन में हम इतनी परिस्थितियों को कमज़ोर बना रहे हैं, फिर भी ये इंसान शांत कैसे है, फिर भी ये सब कुछ उसके जीवन में सब कुछ एक एक बहुत ही, आप पूरे फ्रेंड्स की एनर्जी को देखो, सेज को देखो, बहुत ही कूल लग रहा है, बहुत ही शांति है, एक वातावरण में शांति नज़र आ रही है, आपके घर परिवार में शांति नज़र आ रही है, ये कैसे हो सकता है। और चारों दिशाओं से भी शांति नज़र आ रही है, आपके घर की ओर वो नज़र डालते हैं, आपके परिवार के ऊपर नज़र डालते हैं, आपके ऊपर नज़र डालते हैं, तब दुश्मन यही सोच में पड़ जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, इस तरीके से वो सोच रहे हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये अपनी स्मार्टनेस यूज़ कर रहे हैं, अपने चालाकी को काम लगा रहे हैं, अपनी चालाकी से वो अपने जीवन में बने हुए हैं, इस तरीके से वो सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपना टैलेंट को, हुनर को अच्छी तरीके से अपने जीवन में ला रहे हैं, इस वजह से ही सब कुछ उनके जीवन में ठीक हो रहा है, या वो जानबूझकर एक फॉक्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, स्मार्टनेस की अपने तरीके से दिखा रहे हैं कि बाहर से सब कुछ अच्छा दिखाना है, चाहे अंदर से हमें कितनी भी तकलीफ पड़ रही हो क्यों ना हो, इस तरीके से। तो दुश्मन इस तरीके से आपको लेकर सोच रहे हैं कि ये जानबूझकर कुछ तो चालाकी इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरीके से आपको लेकर उनका मन में है कि बाहर से सब कुछ अच्छा दिखा रहे हैं, अंदर से दुख पीड़ा हो रही है या तकलीफ आ रही है उसको वो दिखाना नहीं चाहते हैं बाहरी तौर पर, इस तरीके से। और यहाँ आपके दुश्मन आपको लेकर ये भी सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं सच में कामयाब भी है। तो आपको लेकर उनके मन में ये आ रहा है कि आपने कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस है, सावधानी रख रहे हो, प्रोटेक्शन लिया है, अपना एक पेशन जुनून दिखा रहे हो कि हमारे ऊपर जो भी दुश्मन एक्ट करे उसको कामयाब नहीं होने देना है। ये जो आपकी एनर्जी है वो दुश्मन भी सोच रहे हैं, दुश्मनों को सच में ये पता चल रहा है कि आप सच में अपनी एनर्जी में भी बहुत ही स्ट्रांग हो, आप सब कुछ ध्यान रख रहे हो, आपको किसी भी तरह की इफेक्ट ना हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, इसका भी आप ध्यान रख रहे हो, सावधान की मुद्रा में हो, ये वो सोच रहे हैं। उनको यही लग रहा है कि आप एक मैजिशियन बने हुए हो, अभी हम कितना भी कुछ कर रहे हैं आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई असर दिख ही नहीं रही है, आप तो टेंशन में भी नज़र नहीं आ रहे हो, आप तो कोई तकलीफ में भी नज़र नहीं आ रहे हो, बाहरी तौर पर भी सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, ठीक ठाक दिख रहा है, इस तरीके से लग रहा है। उनकी सोच यहाँ अभी ऐसी है कि यहाँ दो बार मून की एनर्जी है, तो वो है कि इमोशनल वाइज कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है उनको, फिर भी वो दिखा नहीं रहे, इस तरीके की एनर्जी है। और यहाँ दुश्मन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, यहाँ एस ऑफ कप एंड थ्री ऑफ कप, इसका मतलब होता है फोर ऑफ कप। तो यस, उनको ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी को बेस्ट निभा रहे हैं, तो आपके दुश्मन भी आपको सराहना दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में ये आ रहा है कि इनके जैसा इंसान मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा, मैंने बहुत सारे लोगों को
दुख दिया है, तकलीफें दी है, बहुत सारे लोगों के साथ मैंने लड़ाई लड़ी है, लेकिन ये पहला इंसान है जिसके साथ लड़कर मुझे वाकई में बहुत मज़ा आ रहा है या अच्छा लग रहा है। इसको मैं कितना भी हराने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर भी ये कामयाब होता चला जा रहा है। वो अपने आप में बहुत ही एक तटस्थ है, कमिटेड है अपनी चीज़ों के लिए, अपने जीवन के लिए। ऐसा इंसान मैंने पहली बार देखा है। तो उनको जलन भी हो रही है आपसे, आपके दुश्मन को आपसे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है कि आप इतने कामयाब कैसे हो सकते हो, आप तो जीतते ही चले जा रहे हो, आपको तो हम इतनी ज़्यादा आपको हार दे रहे हैं, इतनी ज़्यादा आपको तकलीफें दे रहे हैं, आपकी परिस्थितियाँ कमज़ोर कर रहे हैं, पैसों के ऊपर वार कर रहे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से भी नज़र नहीं आ रही है, आपके हाव भाव से भी नज़र नहीं आ रही। इतना तो कैसा कॉन्फिडेंस आपका, या फिर आपका लक आपको सपोर्ट कर रहा है, या आप अपने आप के साथ राइट हो, कभी आपने किसी का कुछ भी गलत नहीं किया है, इस वजह से गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई है। ये तो पक्का यकीनन ऐसा ही है, इस तरीके से वो सोच रहे हैं। तो दुश्मन आपसे काफ़ी इम्प्रेस है, दुश्मन को पता चल गया है कि हम कुछ ना भी आपके लिए कुछ कर ले, आपको हम हरा नहीं पाएंगे, हार हमारी ही होने वाली है। इस तरीके से अब वो सोच में पड़ गए, क्योंकि लास्ट है एयर गार्डियन। एयर गार्डियन को क्लैरिफाई किया है मेडिसिन मदर ने, बहुत अमेजिंग, ऑनर योर इनर नोइंग। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं हमने गलत इंसान से पंगा लिया है जो हमें भारी पड़ेगा आगे चलकर। आप अपने आप के साथ गलत नहीं हो तो फिर हर एनर्जी आपके साथ है और आप ही कामयाब होंगे। इस तरीके से दुश्मन सोच रहे हैं। एंड लास्ट है थ्री ऑफ कप को क्लैरिफाई किया है फाइव ऑफ सोर्ड्स। तो आप सच में अपने आप के साथ सही हो और आपने कभी किसी का गलत नहीं किया है, तो हम जो आपको पीड़ा तकलीफ परेशानियां दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, वो सब कुछ हमें ही मिलने वाला है। इस तरीके से दुश्मन सोच रहा है। तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा हम आपको दे रहे हैं वैसा हमारे पास ही आने वाला है, ऐसा हमें लग रहा है, ऐसी इंट्यूशन हमें आ रही है, इस तरीके से सोच रहे हैं दुश्मन। तो दुश्मन बहुत ज़्यादा डर गए हैं आपसे, बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं कि ऐसा इंसान हमने उन्होंने पहली बार देखा है जो लड़ाई भी लड़ रहा है और जीत भी हासिल कर रहा है। तो आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा डर गए हैं, सोच में पड़ गए हैं, आपसे काफ़ी इम्प्रेस है, उनको जलन हो रही है आपसे, और उनको पता चल गया है कि आप ही कामयाब होंगे और वो हारेंगे। ये है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।